हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। अखिलेश यादव के करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से ही वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी के नेता उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का बयान अगर वो देंगे तो अखिलेश यादव की लुटिया डूब जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था जरा ये भी आप जान लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से ही चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। वो अलग बात है कि इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कहा जाने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान देते हैं, माना जाता है कि वो हिंदुओं के विरोध में ये बयान दे रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नुकसान होना तय है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के बड़े और छोटे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे मनोज पांडे ने कहा, धर्म पर बोलने वाले लोग पहले अपना और देश का इतिहास पढ़ लें। ये किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता। देश में सभी धर्मों के लोग समान भाव में रहते हैं। राजनीति के लिए शॉर्टकट अपनाने वाले नेता सिनेमा में चले जाएं, वहां टीआरपी ज्यादा मिलेगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जाति से बड़ी जमात होती है। लोगों को बांटने का प्रयास करने वाले समझ लें कि देश की आजादी में सभी साथ लड़े थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर पांडे ने यह भी कहा कि कौन स्वामी प्रसाद, मैं नहीं पहचानता। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता ये मानकर चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इसी तरीके से हिंदू विरोधी बयान देते रहे तो इसका सीधा सीधा नुकसान उनको नहीं बल्कि अखिलेश यादव को होगा। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता उनको आईना दिखाने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लताड़ा है। आचार्य प्रमोद ने कहा, हिंदुओं को गाली देना फैशन बन गया है। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को नहीं माना, वो जहां जाते हैं हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को मौर्य की विदाई कर देनी चाहिए, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी लुटिया डुबो देंगे। इसी के साथ आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट भी किया जिसमें वो लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहकर विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी उनको जमकर लताड़ा है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस जिस तरह से मौर्य को लताड़ रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। जरूर है कि दानवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और शारी विषमता का कारण भी दानवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही माने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आप बच्चों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता।